गदर 2 का सेकेंड सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है खैरियत। ऐसा लग रहा है गदर 2 के मेकर्स काफी टाइम बाद जगे हैं। मेरा ये बोलना है गदर 2 मेकर्स को कि भाई साहब सलार और जवान का देखो कितना क्रेज है, कुछ करो। एनीवेज अगर बात करें खैरियत सॉन्ग की तो इसमें बस एक ही चीज अच्छी लगी, वो है मिथुन और अरिजीत सिंह का कोलैबोरेशन। यार मतलब सॉन्ग ठीक ठाक है पर मुझे ज्यादा उम्मीद था कि और भी कुछ ज्यादा धमाकेदार होगा। गदर 1 के सैड सॉन्ग्स और भी काफी अच्छे थे, बट लेट्स होप कि आने वाले सॉन्ग्स में हमें वो टेस्ट मिल जाए। गाइस नेक्स्ट अपडेट है कि ओ माय गॉड 2 मूवी बैन होने की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी बैन नहीं होगी। ओ माय गॉड 2 सेंसर सर्टिफिकेट के लिए CBFC में फंसा हुआ है। जैसे कि आप जानते ही हो कि आदि पुरुष मूवी ने लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को कितना हर्ट किया और CBFC पर कई सारे सवाल भी उठे थे, तो आदि पुरुष के बाद CBFC अब और भी ज्यादा कॉशियस हो गया है ऐसे रिलीजियस मूवी को लेके। सेंसर बोर्ड ने ओ माय गॉड 2 को रिविजन कमेटी को दे दिया है ताकि वो भी इस मूवी को देखे और अप्रूव करे। अब इस मूवी में कितने सीन्स और कितने डायलॉग्स कट होंगे वो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप जानते ही होंगे कि गदर 2 की हाइप काफी ज्यादा है ओ माय गॉड 2 से, तो देखना ये है कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाएगी। अगली बड़ी न्यूज ये है कि जवान में से नयनतारा का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर में आप नयनतारा को बहुत ही जबरदस्त एक्शन लुक में देख पाएंगे। इस मूवी में नयनतारा एक ऑफिसर के किरदार में नजर आएगी। जवान मूवी का प्रीव्यू देखकर तो लोग काफी ज्यादा पागल हो चुके हैं और इस मूवी का हाइप इतना बढ़ गया है कि बच्चे बच्चे में भी क्रेज नजर आ रहा है। अब लोगों को बस जवान मूवी का बेसब्री से इंतजार है। तो जवान आ रहा है 7 सितंबर को, वो भी 3 different languages में, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी। तो क्या जवान पठान से ज्यादा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर पाएगी, हमें कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं कटरीना कैफ की, जो काफी साल बाद नजर आएगी मेरी क्रिसमस मूवी में, वो भी विजय सेतुपति के साथ। मेरी क्रिसमस एक क्राइम थ्रिलर मूवी होगी और इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं श्रीराम राघवन। अब इन्होंने डायरेक्ट किया है तो स्टोरी कुछ यूनिक ही होगा, क्योंकि अंधाधुन और बदलापुर जैसे मूवी को जो डायरेक्ट किए हैं, इस मूवी का 2 poster रिलीज हो गया है और इसकी शूटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन डेट कंफर्म नहीं था। अब इस मूवी का रिलीज डेट कंफर्म हो गया है, वो भी 15th December 2023 को। अब 15th December को मेरी क्रिसमस के साथ हम देखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा। तो अब देखना ये है कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप आपको मेरा ये अपडेट पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।